हाय ऑल, आज इस वीडियो का टॉपिक है कि जेएलपीटी से पहले एग्जैक्टली पहले एग्जाम शुरू होने से या तो एक या दो दिन या तीन दिन या एक हफ्ता कह लें, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो को बहुत लंबा चौड़ा ना बना के मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कंक्लूजन से। वेलकम टू निहंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। तो बात आती है, सबसे पहले मैं कंक्लूजन बताना चाहता हूं जेएलपीटी से एग्जाम से एकदम पहले क्या करें। तो इसका आंसर है कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कंक्लूजन से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जिनको ये वीडियो देखना है वो देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कंक्लूजन पता चल गया तो आप अभी इस वीडियो से बंद करके बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो समझना चाहते हैं इस चीज को कि कंक्लूजन क्यों मैंने ऐसा दिया है, उसका ये कारण है कि जेएलपीटी कोई एक या दो दिन में होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम, मिनिमम से मिनिमम कोई भी लेवल अगर ले ले तो कम से कम 4 महीने का टाइम तो चाहिए चाहिए होता है रिग्रेस पढ़ाई के लिए। और देखिए, रिग्रेस पढ़ाई में भी मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप सिर्फ 3 घंटे या 3.5 घंटे 4 घंटे डेली के दे सकते हैं तो आपका 2 महीने में भी काम हो सकता है। लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाता तो वही स्टूडेंट्स एंड में इस चीज के पीछे भागते हैं कि बिल्कुल जेएलपीटी आने वाला है, एक हफ्ता ही रह गया है या एक दिन दो दिन ही रह गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके फ्रेंड्स बताते हैं, अरे पैटर्न नंबर 42 करो, अरे पैटर्न नंबर 79 करो, अरे ये कांची की लिस्ट पढ़ो, अरे ये वोकैबुलरी लिस्ट पढ़ो। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। N5 की बात करें, यानी जो सबसे बेसिक लेवल है उसकी बात करें, तो भी उसमें इतनी वोकैबुलरी, इतने जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, दोकाई की प्रैक्टिस होती है, चौकाई की प्रैक्टिस होती है, चौकाई में रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें आपको सुन के ही ऑप्शन का मतलब आंसर सुन के ही चूज करना है, कुछ कुछ होते हैं जिसमें फोटोग्राफ देख के चूज करना है। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने तो मांगती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं। आपने अगर मेरा छुपा हुआ हिडन मैसेज समझ लिया है तो इसका आपने बिल्कुल सही समझा है कि 2 महीने में भी कवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 या 3 महीने का भी टाइम अगर आपका शॉर्ट हो गया, जैसे 1 महीना रह गया, तो मतलब फिर तो थोड़ा सा मैं भी नहीं कह सकता कि हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर पूरी जान लगा दे बंदा एकदम संन्यास लेके तो शायद वो तब भी कर ले। लेकिन एक लॉन्ग टर्म चीज के हिसाब से अगर आप आज से ही थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 4 महीने की बात है सिर्फ हर लेवल। इवन एनुअल लेवल भी, एनुअल लेवल से मेरा मतलब ये है कि N2 N3 तक का लेवल होना चाहिए, N2 का कवर हो और N1 के लिए कम से कम 3 महीने वो प्रैक्टिस करे तो हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो भी मैं आपको लेवल कह रहा हूँ, ये नहीं है कि 3 महीने में आप 0 से N1 कर सकते हैं, पिछले लेवल से अगले लेवल पे जाने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये तो ही रही पहली बात। अब बात आती है कि मैंने जो कंक्लूजन दिया कि कुछ भी नहीं करना, इसमें भी बहुत कुछ है। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए आपने प्रिपरेशन कर ली है और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना में 2-3 चीजें आती है। सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करिए, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आप एंड में हरी हो जाएंगे या फिर पैनिक हो जाएंगे तो वो बल्कि नेगेटिव इफेक्ट ही देगा। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, जैसे मान लीजिए रेसलिंग प्लेयर्स है या कोई मार्शल आर्ट्स प्लेयर है, तो ओलंपिक की बात करें तो मैंने टीवी पे सुना था कि उनको शुरू के एंड के 3 दिन या 4 दिन तक बिल्कुल रेस्ट दिया जाता है कि आप कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत करो, सिर्फ मेडिटेशन करो, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली। अगर एंड में भी आप प्रैक्टिस ही करते रहोगे तो फिर वो गेम उतना अच्छा नहीं जाएगा। अगर 3-4 दिन का रेस्ट लेके आप उस गेम में एकदम से जाओगे तो वो सारा प्रैक्टिस एकदम नए जोश के साथ काम आएगा। तो सेम अप्लाइज फॉर जेएलपीटी। अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है तो एंड में आप पैनिक मत होइए, आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। बस ये है कि अपने आप को वार्म अप रखने के लिए रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगला कुछ या नया कुछ पढ़ने की कोशिश करें या फिर किसी फ्रेंड से कंसल्टेशन वगैरह लें तो ये बिल्कुल भी मत करिए। जेएलपीटी के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं दिसंबर में और जून में, तो N5 से लेकर N1 तक आपको अगर एनरोल करना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमें डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।